केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को LTC के तहत विदेश जाने का रास्ता खोल सकती है। खबर है कि लंबे विचार के बाद इस प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मान लिया है। सरकार की इस पहल को आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग के मतदाताओं को रिझाने की एक कोशिश के रूप में माना जा रहा है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी कौन कौन से देश जा सकते हैं, इस बारे में सरकार विचार कर रही है। खबर है कि शुरुआत में 10 देशों में घूमने की अनुमति दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, यह पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा। विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने संयुक्त रूप से मिलकर प्रस्ताव को तैयार किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस पहल के बाद जिन देशों में लाखों कर्मचारी अपने परिवार के साथ जाएंगे, वहां के संबंध भारत से मजबूत होंगे। देश के लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारियों को घूमने के लिए छुट्टी और ब्याज रहित एडवांस देने का प्रावधान है। अभी तक वे परिवार के साथ देश के अंदर ही घूम सकते थे। केंद्रीय कर्मचारियों को अब LTC के तहत रोजाना भत्ता नहीं मिलेगा। LTC के तहत कर्मचारियों को टिकट के पैसे वापस मिलते हैं। DOT ने इस बारे में एक बार फिर कहा है कि स्थानीय यात्राओं पर आय खर्च और किसी इमरजेंसी खर्च को LTC के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों और तत्काल जैसी सेवाओं को LTC के तहत अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।